आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि इनकी अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे, इनके संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे, तो आपकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। और आपको बता दूं कि सिंधु ताई सब काल की कहानी नहीं है, हमारे देश की कई इस तरह की महिलाओं की एक कहानी संघर्ष की रही है। ये अलग बात है कि सिंधु ताई या माई, क्योंकि आप देखेंगे कि एक हजारों बच्चों की माँ, जिन्हें अनाथ, आप देखते हैं कि अनाथ बच्चे होते हैं जिन्हें लोग छोड़ देते हैं रोड पर, या बेटियां होती हैं जिन्हें आप देखते हैं कि जन्म पर, बेटियों के जन्म पर अभी भी आप देखते हैं हमारे देश में दुख जताया जाता है, दुखी ही होते हैं लोग, तो उन्हें क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। तो उस तरह के हजारों बच्चों को सिंधु ताई या माई ने पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि हजारों बच्चों की मां है सिंधु ताई। इन्होंने संघर्ष किया, कहते हैं कि ये जब इनके, एक तरह से आप कह सकते हैं गर्भवती थी, इनके पेट में आप कह सकते हैं कि एक बच्चा था, उस समय इनका पति इन्हें घर से निकाल देता है और ये संघर्ष करती है, इनका ना परिवार साथ देता है, इनके मां बाप भी इनका साथ नहीं देते हैं। और उनके संघर्ष के कारण ही आज हम और आप पढ़ रहे हैं। अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं कि इस तरह का अगर घर से उन्हें मदद नहीं मिलती है या इस तरह की उन पर आरोप लगाए जाते हैं तो वो हिम्मत हार जाती हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर देती हैं। लेकिन सिंधु ताई माई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने संघर्ष किया और ये नई कथा या नई कहानी लिख दी है। और आप सभी को मालूम होगा कि आज, अभी हाल ही कुछ टाइम पहले, इनकी मौत हो चुकी है। और इस पर आप देखिए कि हमारे देश की जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब ने दुख प्रकट भी किया हुआ है। और ऊपर वाले से आप भी दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम लोग आज विस्तार से इनकी कहानी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इनके पारिवारिक जो भी माहौल रहा है उस पर भी विस्तार करेंगे। और आप देखेंगे कि पहले छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, और कभी कभी तो आप देखते होंगे कि अगर 10 साल की बेटी है तो उसकी शादी जाके 30 साल वाले एक तरह से पुरुष से कर दी जाती थी। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिंधु ताई सतपाल को देख लीजिए, लोग प्यार से इन्हें माई भी कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी, एक बार कुछ पिक्चर और भी हैं आपके सामने, देखिए ये अनाथ बच्चे हैं। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी की जा चुकी हैं ये। ठीक है, सिंधु ताई सतपाल एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज की एक तरह से आप देखिए भलाई का काम करती हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारत में अनाथ बच्चों की परवरिश में उनके काम के लिए जाना जाता था। और सिंधु ताई ने खुद को अनाथों के लिए समर्पित कर दिया और नतीजतन उन्हें प्यार से लोग माई कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है माँ। और उनमें आप देखेंगे कि 700 से अधिक उन्हें पुरस्कार भी सम्मानित भी किया जा चुका है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात होती है। और उस अनाथ बच्चों के लिए घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए पुरस्कार राशि का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्हें 2021 में सामाजिक श्रेणी में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कभी कभी मुझे लगता है कि आप देखते हैं कि जो अपना अपने बच्चे होते हैं, जो लोग खुद जन्म देते हैं अपने बच्चे, खून होता है उनका, वो इस तरह के नाम नहीं कर पाते हैं। वो भी कभी आप देखते हैं कि आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। तो परोपकार मुझे लगता है कि मायने रखता है, कर्म मायने रखते हैं। और इनके नाम की बात करें तो सिंधु ताई सबकाल इनका नाम है, और 14 नवंबर 1948 को इनका जन्म होता है, यानी कि भारत आजाद होता है 1947 में, और जाकर इनका जन्म होता है 1948 में, एक आजादी के 1 साल बाद इनका जन्म होता है। और आप सभी जानते हैं कि आजादी के पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, बेटियों की स्थिति क्या थी, आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आज भी आप देखिए महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है। जन्म स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इनका जन्म होता है। और इनके पिता की बात करें तो अभिमान जी साधे इनके पिता, और पति की बात करें तो श्री हरि सबकाल
इनके पति का नाम है। और शिक्षा की बात करें तो चौथी कक्षा पास है, यानी कि पांचवी पूरी पास नहीं कर पाई। तो कभी कभी है मुझे ये भी लगता है कि शिक्षा इंसानियत मानवता के लिए जरूरी नहीं है। कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े बड़े अच्छी शिक्षा बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके कर्म, उनकी इंसानियत, उनकी मानवता तार तार कर देती है देखकर। अगर रोड पर आप देखिए कोई कोई भी प्रॉब्लम में है तो वो खड़े भी नहीं होते, निकल पड़ते हैं। और पैसा आप सभी जानते हैं इनका व्यवसाय सामाजिक कार्य करता रहा है, यानी कि समाज की देखभाल करना। आपको बता दूं कि पुत्री होने के कारण सिंधु ताई को घर में सभी लोग नापसंद करते थे, क्योंकि वह पुत्री थी और इसलिए उन्हें घर में चिंधी कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा कहा जाता था। लेकिन उनके पिता संधु को पढ़ाना चाहते थे और इसलिए वे सिंधु की मां के खिलाफ सिंधु को स्कूल भेजते थे। अभी भी तो आप देखते हैं एक्सरे होते हैं, आपने देखा होगा कि ये एक्सरे या इस तरह की आप देखिए तकनीक इसलिए लाई गई थी कि आप सोचिए कि आपके अंदर शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके। लेकिन हम लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हम लोग ये पता करने लगे कि गर्भ में, माँ के गर्भ में, महिला के गर्भ में आप देखिए बच्ची है या बच्चा है। अगर बच्ची है तो आप देखते हैं कि उसे वहीं खत्म करवा दिया जाता है। और आप देखिए कि जब बच्ची का अगर जन्म भी होता है तो उसके साथ बचपन से ही भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि दूध का गिलास आता है तो बेटे को दे दिया जाता है, बेटी को किस तरह से। आपने देखा होगा शिक्षा के लिए कुछ ही परिवार आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम ही, जो बेटे में और बेटी के लिए शिक्षा बराबर की बात करते हैं। वरना आपने देखा होगा कि घर में अगर कमी है वैसे की तो क्या करते हैं कि बेटी को की शिक्षा को रोक देते हैं, बेटों को पढ़ाने लगते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। माता के विरोध और घर की आर्थिक स्थिति के कारण सिंधु की शिक्षा बाधित हो रही है और उनकी चौथी कक्षा परीक्षा की पास की और उसी आर्थिक स्थिति, घरेलू जिम्मेदारियों और बाल विवाह के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। कम ही उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है। और उनकी शादी की अगर बात करें तो 10 साल बड़े व्यक्ति श्री हरि सपकाल से कर दी जाती है। और वो ऐसा बताती हैं कि 20 साल की उम्र में उन्हें 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। और आजकल आप देखिए कि 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र करने की बात की गई है। और इतने बड़े आदमी से शादी होने के कारण जब वह सिर्फ एक बच्ची थी और उनका जीवन चुनौतियों से भरा था। और बाल विवाह के चंगुल का शिकार होने के बाद भी युवा सिंधु ताई जीवन के प्रति आशावादी थी, बल्कि कमजोर और दुर्व्यवहार के करने वालों की मदद करने का उनका उत्साह और बढ़ गया। और अपने पति के घर में बसने के बाद वह जमींदारों और वन अधिकारियों द्वारा महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़ी हुई और लड़ती रही, संघर्ष करती रही। और उन्हें नहीं पता था कि लड़ाई के बाद उनकी जिंदगी इतना मोड़ ले लेगी, इतने खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगी। कहते हैं कि जब वह 20 साल की उम्र में गर्भवती थी तब एक क्रोधित जमींदार ने उनसे एक तरह से आप देखिए अफवाह फैला दी थी कि एक तरह से आप देखिए कि कह नहीं देते कि इस तरह का अफवाह उड़ते रहते हैं, गांव कस्बों में इस तरह की बात होती रहती है कि इसके नाजायज संबंध है, ये बच्चा है इसका नहीं है उसका है। तो इनके साथ भी उसी तरह की कहानी गढ़ दी गई। और इनके पति उस बच्चे के गर्भ में होने के बाद, गर्भवती थी ऐसा कहा जाता है कि 9 महीने के लगभग आप देखिए गर्भवती थी, और उन्हें घर से निकाल दिया जाता था। और कहते हैं कि उसी रात उन्होंने एक बच्ची को तबेले, आप सभी जानते हैं गांव में जो गाय भैंस बांधने का जगह होती है उसे तबेले कह देते हैं, तबेला कहते हैं, तो उसी जगह वो एक बेटी को जन्म देती है। और जब वो अपनी माँ के घर गई और तो उनकी माँ उसने अपने घर में रखने से मना कर देती है। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और अंततः वो अपनी बेटी का समर्थन जरूर करते, सही बात है। सिंधु ताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रह रही थी और खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए पेट भरने और रात में शमशान में रहने की भीख मांगना पड़ा। मुझे लगता है कि आप लोग इस संघर्ष को समझ रहे होंगे कि मतलब गर्भवती होना, पेट में बच्ची होने के बाद भी उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। उसी रात वो जन्म देती है एक बेटी को। और आप देखिए कि अपने बच्चों को पालने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती है, उन्हें रेलवे स्टेशन पर गुजारा करना पड़ता है, उन्हें शमशान में रहना पड़ता है।
आप समझ सकते हैं कितना संघर्ष रहा होगा और उन्होंने झेला होगा। और कहते हैं ना कि जब आप दूसरे का दर्द समझते हैं तभी आप उसके, एक तरह से आप कहिए उसके बुरे समय में साथ रहते हैं। अपने संघर्ष में उन्होंने महसूस किया कि देश में कितने अनाथ हैं जिन्हें माँ की जरूरत है। तभी से उन्होंने यह तय कर लिया था कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा उनकी माँ बनेगी। उन्होंने अपनी ही बेटी को श्री दग डू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र के ट्रस्ट में गोद लिया ताकि वह सभी अनाथों की माँ बन सके। और इसीलिए मैंने उनके अपने जो उनके उन्होंने जन्म दिया था उनके बारे में बात नहीं की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो हजारों बच्चों की माँ है। उनके कई बच्चे आप देखिए अच्छी अच्छी पोजीशन पर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और सिंधुताई ने अपना पूरा जीवन अनाथों को समर्पित कर दिया है और इसलिए लोग उन्हें माँ या माई कहते हैं। उन्होंने कहते हैं कि 1500 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया है और आज उनके परिवार में 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से अधिक पोते पोतियां भी हैं। उनकी अपनी बेटी एक वकील और गोद लिए कई बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, उनमें से कई अपना अनाथालय भी चलाते हैं। सिंधुताई महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार सहित कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। वह पुरस्कार से प्राप्त इन सभी पैसों का उपयोग अनाथालयों के लिए करती हैं और उनका अनाथालय पुणे वर्धा सासवड महाराष्ट्र में स्थित है। और 2010 में सिंधुताई के जीवन पर आधारित एक मूवी भी बनाई गई थी, फिल्म भी बनाई गई थी, मी सिंधुताई सपना, और जिसे 54वें लंदन फिल्म समारोह के लिए चुना गया था। जब सिंधुताई का पति का 80 वर्ष का हुआ था तो उनके साथ रहने आया था और सिंधुताई अपने पति को पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि अब वह केवल एक माँ है और वह आज बड़े गर्व से मुझसे कहती है कि वह इसका पति है, उसका सबसे बड़ा बेटा है। तो इस तरह की कहानी रही है। और आपको बता दूं कि सिंधुताई कविताएं भी लिखती थी और उनकी कविताओं का मैं जीवन पूरा सार है। वह अपनी माँ का आभार इसलिए व्यक्त करती हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगर पति के घर से निकालने के बाद उनकी माँ ने घर में उनका साथ दिया होता तो आज वह इतने बच्चों की माँ नहीं होती। वो कहते हैं ना कि आपकी जीवन में अगर मुसीबत आती है तो असल में आप लोगों को वो और आपके लोग जो भी आपके साथी होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं, तो वो परीक्षा होती है एक तरह से। और अगर आप उन मुसीबतों से लड़ गए तो आप जरूर कुछ कर जाएंगे। और सिंधुताई से मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और देश की आप देखिए कि वो करोड़ों महिलाएं जिनके जीवन में इस तरह की समस्याएं आती हैं, संघर्ष आता है, वो भी सिंधुताई से बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखिए, डेली में 2-4 घटनाएं आप लोगों को इस तरह की देखने की मिल जाएंगी। और सिंधुताई कई संगठन भी चलाती थी, इसमें मदर ग्लोबल फाउंडेशन पुणे, सनमती बाल निकेतन भेलहेकर बस्ती मंजीरी हड़पसर पुणे में, ममता बाल सदन कुंवर वलन 1994 में शुरू किया था, सावित्रीबाई फूले मुलिंचे वसतिगृह, बालिका छात्रावास चिखलदरा अमरावती में, अभिमन बाल भवन वर्धा में, गंगा धरबाबा छात्रालय गुहाश्रेणी में, सप्त सिंधी सिंधु महिला आधार और बाल संगोपन आनी शिक्षण संस्थान पुणे में, श्री मन शांति चतुरालय सिरूर में, वनवासी गोपाल कृष्ण बहुउद्देशीय मंडल अमरावती में, इस तरह के कई संगठन वो भी चलाती हैं। और आपको बताया हुआ है कि इन्हें पुरस्कार भी मिला था, कई पुरस्कार मिले हैं। कहते हैं कि 750 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2021 में आपने देखा होगा तब भी ये काफ़ी चर्चा में आई थी, सुर्खियों में आई हुई थी, जब सामाजिक कार्य श्रेणी में 2021 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2017 में महिला दिवस पर 8 मार्च 2018 को सिंधुताई सपकाल को भारत की राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और यह महिलाओं के लिए समर्पित सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी होता है। 2016 में आप देखेंगे सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉक हार्ट फाउंडेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। 2015 में अहमदिया मुस्लिम शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। 2014 में बसव सेवा संघ पुणे से सम्मानित बासवासा पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। 2013 में मदर टेरेसा अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस के लिए भी इन्हें दिया गया।
2013 में प्रतिष्ठित माँ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। 2012 में CNN, IBN और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा दिए गए रियल हीरोज अवार्ड भी इन्हें दिया गया। और आप देखेंगे 2012 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे द्वारा इन्हें COEP गौरव पुरस्कार भी दिया गया था। 2010 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को महिलाओं और बाल कल्याण के क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 2018 में माकरी 2008 में दैनिक मराठी समाचार पत्र लोक सत्ता द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1996 में दत्ताक माता पुष्कर और गैर लाभकारी संगठन द्वारा दिया गया सुनीता कला निकेतन ट्रस्ट स्वर्गीय सुनीता त्र्यंबक कुलकर्णी की यादों में ये दिया जाता है। ताल श्रीरामपुर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में ये इससे भी इन्हें नवाजा गया था। 1992 में अग्रणी सामाजिक योगदानकर्ता पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सहाद्री हिरकानी अवार्ड मराठी है, सादी हिरकानी पुरस्कार, राजाई पुरस्कार, शिवलीला गौरव पुरस्कार इनसे भी नवाजा गया। इस तरह की आप देखें कि हजार से के करीब आप देखेंगे 700-800 के करीब पुरस्कार इन्हें दिए गए। ऐसा माना जाता है कि आप देखिए छोटे बड़े पुरस्कारों की अगर गिनती करें तो हजार भी निकल जाती है। 2010 में आपको बता चुका हूं कि एक मराठी फिल्म भी बनी हुई थी, मी सिंधुताई सबकाल, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। अभी हाल ही में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधुताई सबकाल का पुणे में 4 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो चुकी है, इनकी निधन हो चुका है। और 74 वर्षीय सिंधुताई ने 4 जनवरी 2014 को पुणे के गैलेक्सी केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उन्हें 1 महीने से अधिक समय पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब जाकर उनकी मौत हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, वो कहते हैं कि दूसरे की समस्याएं हमें केवल मजाक लगती हैं, जब वही समस्याएं हमारे ऊपर खुद बीतती तब मालूम चलता है अच्छा ऐसी भी कोई समस्या होती है। और मुझे लगता है कि अगर इनकी जगह 1 मिनट के लिए अपने आप को रखा जाए तब मुझे लगता है कि बेहतर आप इनके दर्द को समझ सकते हैं, दुख को समझ सकते हैं, इनके संघर्ष को समझ सकते हैं। और फिर से कह रहा हूं कि इस तरह की हजारों कहानी हमारे देश में पड़ी हुई है, लेकिन वो कहानियां लिखने से पहले या अपना संघर्ष से जूझने यानी कि संघर्ष से लड़ने के पहले ही दम तोड़ देती हैं। तो ऐसी कहानी रही है सिंधुताई सबकाल की। और इसलिए आप देखते हैं कि कहा जाता है हजारों बच्चों की माई, किसी या कोई आप देखिए कि अपने बच्चों को बहुत से बहुत 10 बच्चे कर लेगा, 10 बहुएं दमाद ले आएगा, लेकिन आप देखिए इनके कितने हजारों बच्चे हैं, हजारों बहुएं कह सकते हैं आप लोग, पोते पोतियां। ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इसने इनकी कहानी से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलती है, देश में ही नहीं दुनिया की कई महिलाओं को, और बहुत कुछ सीखा जा सकता है इनसे।